नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी। कैसे धार्मिक आस्था से जुड़ा एक मुद्दा पुलिस की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल बन गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए समझते हैं आज के प्राइम टाइम में। घटनाक्रम को समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 19 सितंबर का दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। इस दिन बालाघाट सहित पूरे देश भर में गणेश जी की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन चल रहा था। बालाघाट में विसर्जन को लेकर जहां प्रशासन के द्वारा वैनगंगा के बड़े पुल के नीचे एक विसर्जन कुंड बनाया गया था, इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन बालाघाट में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर और कुछ अन्य साथियों के द्वारा इस मूर्ति विसर्जन के खिलाफ जाकर बहती जलधारा में गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जन कराने का प्रयास चल रहा था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी के बीच हार्ट टॉक की स्थिति निर्मित हो गई। यह हार्ट टॉक की स्थिति उस समय तो शांत हो गई, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद 20 सितंबर की रात्रि में यह विवाद कुछ आगे बढ़ गया। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके प्रतिष्ठान में पहुंचकर अभय कोचर पर हमले का प्रयास किया गया। मैं, मेरे पापा और बड़े भैया दुकान में थे, तो अचानक 6-7 लड़के वहाँ पहुँचे, जिनके हाथों में डंडे, तलवार, अन्य हथियार भी थे, तो जो CCTV में भी मौजूद हैं। ये लड़के जब मेरी दुकान पे आए तो बड़े भैया जब सामने थे तो उन्होंने पूछा, अभय कोचर कौन है, यहीं रहता है क्या? तो बड़े भैया ने पूछा, क्या काम है? तो उनका कहना ये बना कि जो RSS में है वही अभय कोचर की दुकान है क्या ये? तो बड़े भैया ने बोले, हाँ RSS में जाता तो है। तो तब फिर एक लड़के ने बोला कि कल उसने किसी पुलिस वाले से बहस किया है, उसको सबक सिखाना है। विसर्जन स्थल में पुलिस अधिकारियों से हुई हार्ट टॉक के बाद भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर का एक बयान आया था। इस बयान में उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बताया था। इसके बाद ही आगे यह घटनाक्रम हुआ। यदि उनकी आस्था बहते जल में कुंड मूर्ति को प्रभावित करने की है तो उस पर रोक क्यों होनी चाहिए? और जो NGT का आदेश या सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है, वो खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका अध्ययन नहीं किया है। यह आदेश को फर्जी रूप से लागू किया गया है, आस्था में चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। नदियों में के पास कुंड बनाने की बात नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने, नदियों में कुंड बनाने की बात की थी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा जिला प्रशासन द्वारा धर्म विरोधी, पुलिस प्रशासन द्वारा धर्म विरोधी कार्य आज करने का यहाँ पे प्रयास या दुस्साहस किया गया, जो घोर निंदनीय है। और भविष्य में ऐसे जो हिंदू आस्था विरोधी कार्य है वो नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी सभी समाजजनों से अपील है। धार्मिक आस्था में किसी की सहमति या असहमति एक अलग विषय है, लेकिन जब असहमति के चलते किसी के प्रतिष्ठान में पहुंचकर हमला हो जाए या कहीं से भी, कानून के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर के साथ। उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत कराई। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस की गाड़ी में बैठते तक नीली टी शर्ट पहना उसने, वो आदमी है उसको अब यहाँ टी शर्ट बदली है, जो दूसरा आदमी था वो बदल गया, वाला दिखा दिया बदला, इस रास्ते में बदल गया, घर लेके गए होंगे लगता है उसे। अब हमने अभिषेक तिवारी SP साहब से बात की तो पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने दो आरोपियों को वहाँ पे पकड़ा, तो जिसमें एक आरोपी थाने में लाते लाते बदल दिया गया और एक अन्य जो आरोपी है उसने पहले आरोपी की टी शर्ट पहन लिया, और जो आरोपी यहाँ पे रास्ते में बदल दिया गया उसकी टी शर्ट दूसरे आरोपी को पहना दी गई। तो मैं समझता हूँ बेहद ही संदिग्ध और गंभीर मामला है, और मैं और मेरे परिवार को
जान का खतरा है और यदि हमारे परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव की होगी। क्या लगता है किस बात को लेकर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? मुझे लगता है कल जो नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को पुलिस विभाग के CSP कर्णिक श्रीवास्तव ने जो इगोइस्टिक बनाया, तो इस घटना के पीछे हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ये तो जांच का विषय है और पुलिस कितनी तत्परता से जांच करेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के भेजे हुए आदमी हैं। इसमें कल रात पुलिस के पास लगभग 9:30 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि बालाघाट में द्वारी बाजार के पास कुछ लोग जो शख्स हैं, ये एक आवेदक जो हैं, उनके घर पर, उनकी दुकान पर इनफेक्ट आकर और उनके बारे में पूछ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उनको नुकसान पहुंचाने या कोई लड़ाई झगड़ा करने वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। और इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस को वहाँ भेजा गया था और कोतवाली पुलिस ने वहाँ पहुंचकर और वहाँ पर आवेदक और अन्य लोगों की मदद से भी तत्काल वहाँ पर दो आरोपियों को जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ भी लिया। तो दो आरोपी हमारे कब्जे में हैं, उनसे कुछ पूछताछ हुई है, प्रारंभिक तथ्य हमारे सामने आए हैं। और चूँकि इसको इसमें जैसा आपने बताया कि कुछ समाज के मुख्य लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग इसमें वो हैं कि जिनके ऊपर ये हमला करने की योजना सामने आ रही है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से हम लोग जांच भी कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट होने का समझ में आ रहा है, तो उन पर भी पूरी सघनता से जाँच की जा रही है। इसमें एक प्रधान आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध रूप से सामने आई है, जिनको कल रात में कुछ प्रारंभिक जो उसमें साक्ष्य में मिले हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है और उन पे जो जांच आदेशित की गई है। इस पूरे प्रकरण की एक जो वरिष्ठ स्तर से जांच हम करा रहे हैं, उसमें एडिशनल SP को मैंने जांच भी दी। हालांकि इस मामले में अभी तक पूरी तरह से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का मानना है कि इसमें फिलहाल दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें एक आरोपी पुलिस विभाग में पदस्थ रीडर है। इसी के चलते यह मामला अब बालाघाट जिले में तूल पकड़ता जा रहा है, वही कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल भी बन गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे कार्यवाही कर पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।